Subscribe under 24/7 and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, मैं राधे, नहीं, जिस नाम से आप मेरे को जानते हैं, राधे की रीजनिंग। लगातार 10 साल से मैं रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 4 साल से ऑनलाइन लाइव क्लासेस में राधे की रीजनिंग में हजारों बच्चों ने अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग किया और अपने एग्जाम क्लियर किए। तो अब मैं आ रहा हूँ अड्डा 247 पर सुपर एजुकेटर के रूप में राधे की रीजनिंग बैच लेकर। राधे की रीजनिंग सुपर एजुकेटर ऑन अड्डा 247। हेलो गाइस, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 247 पर। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे गाइस, वो 10 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो एक बार जल्दी से सभी लोग फटाफट से कनेक्ट हो जाइएगा और लिंक को कॉपी करके जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। और एक बार जल्दी से फटाफट कनेक्ट होंगे सभी लोग। तो गाइज, स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी को मेरी तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते, राधे राधे। तो एक बार जल्दी से कनेक्ट होंगे नेहा कुमारी, प्रियंका जी, मीनू जी, मालती देवी, नेहा कुमारी और सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से एक बार बिल्कुल भी। और अनुज कुमार जी, जय हिंद, बिल्कुल एक बार। तो गाइज कनेक्ट होंगे और सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन क्या होगा आज का हमारा, उसको हम एक बार देखते हैं। कंप्यूटर जी, स्क्रीन पर एक बार जल्दी से लगा दिया जाए। तो देखिएगा गाइस, जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, डेली ये सेशन हमारा कितने बजे होता है, सुबह 7 बजे होता है। मंडे टू सैटरडे कितने बजे, 7 बजे होता है डेली सुबह, ध्यान रखिएगा। आज अगर मैं बात करूं तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट आप लोगों के लिए होती है। तो आज की मोटिवेशन कोट क्या है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। मतलब जो लोग आज उठते हुए घबरा रहे ना कि 7 बजे क्लास है और आज उठेंगे नहीं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे या बाद में देखेंगे, तो देखिएगा कल उनको जरूर देखनी पड़ेगी उठ करके, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको एग्जाम के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। इनडायरेक्टली कहने का मेरा मतलब यह है कि देखो, मेहनत करनी पड़ेगी, हम मेहनत से पीछे नहीं भाग सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उस मेहनत में भी क्या है, अब मेहनत में है अब स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ साथ क्या करना जरूरी होता है आपका, स्मार्ट वर्क। तो उस चीज को हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो गाइज एक बार सभी को फिर से प्यारी सी गुड मॉर्निंग और सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा जो सेशन होगा वो कैसा होगा। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आज के टॉप 10 एमसीक्यू, जो आपके टॉप 10 एमसीक्यू होंगे करंट अफेयर पे बेस्ड, जो 10 क्वेश्चन होंगे सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा उनको। उसके बाद पढ़ेंगे हम आपकी न्यूज को, जितनी भी मतलब आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है आज की, उन सबको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और उसके बाद क्या होगा, सीए का महासंग्राम, जिसमें होगा स्टैटिक अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर, जितना भी हमने आज तक पढ़ा है। तो गाइज ये हमारा सेशन होगा। और एंड में होगा आप लोगों के लिए क्या, होमवर्क। जैसा कि कल मैंने होमवर्क दिया था, कुछ लोगों ने आंसर किया, केवल 4-5 लोग थे जिन्होंने आंसर किया था, लेकिन सभी ने आंसर नहीं किया। गाइज इस चीज को ध्यान रखना है, मतलब क्या हो रहा है कि आप चीजों को देख ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो। एक होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया जाता है तो उसका आंसर करना तो बनता है ना। तो गाइज चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जल्दी से एक बार को लाइक कर दें, देखिएगा लाइक बहुत कम है और शेयर भी नहीं किया अभी तक सभी लोगों ने, तो शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। गाइस अगर मैं बात करूं आप लोगों से, विच न्यूज़पेपर रिसेंटली अनाउंस्ड टू स्टॉप इट्स प्रिंट वेंचर टू गो डिजिटल कंप्लीटली, मतलब क्या है कि कौन सा वो न्यूज़पेपर है जिसने क्या कर रहा है कि अब वो अपने न्यूज़पेपर की छपाई को बंद कर रहा है। देखिएगा यहां पे जो करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे हम आम एक बातचीत वाली भाषा नहीं होती तो उसमें मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा करंट अफेयर, और आपको डेफिनेटली यहां पर क्या आएगी, चीजें समझ में आएंगी। नहीं कोई चीज समझ में आती है तो गाइज उसके लिए कमेंट करिएगा, बिल्कुल मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। कृष्णा चौबे जी गुड मॉर्निंग, और क्रिस जी गुड मॉर्निंग आपको भी एक बार, रामराज और क्या कहते हैं अनुज आपको भी गुड मॉर्निंग। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो कि पहला था, कौन से आपके जो न्यूज़पेपर है उसने अपने प्रिंट वेंचर को स्टॉप करने का फैसला लिया है, पूरी तरह से वो क्या हो रहा है, डिजिटली हो रहा है। तो गाइज वो आपका डीएनए है, मतलब आपका
डेली न्यूज एंड एनालिसिस है, द स्टेटमेंट है, या मिलीनियम पोस्ट है, या फिर बिजनेस टूडे है। तो गाइज यहाँ पे जो आंसर बनेगा डेट इज ए ऑप्शन। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपका डिजिटल डेली न्यूज एनालिसिस है वो किसका है, तो गाइज ये आपका जो जी एंटरप्राइजेज है उसका ये न्यूज पेपर था, ध्यान रखिएगा, जो कि अब प्रिंट को पूरी तरह से बंद कर रहा है, पूरी तरह से क्या होने जा रहा है, डिजिटल होने जा रहा है। तो गाइज चीजें समझ में आई होंगी, एक बार जल्दी से फटाफट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक वर्ष जो है आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो गाइज अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिएगा आज जैसा कि मैंने आपको बताया 10 अक्टूबर है, तो आज ही के दिन हमारा क्या मनाया जाता है, मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। कल की गाइज मैं बात कर लेता हूं 9 अक्टूबर की, तो 9 अक्टूबर को हमारा क्या था, वर्ल्ड पोस्ट डे, इसको भी हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। हमारा क्या था, वर्ल्ड पोस्ट डे था कब, 9 अक्टूबर को। गाइज 8 अक्टूबर को सब लोगों को पता है, 8 अक्टूबर को क्या मनाया गया था, हमारा 87th इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया था, 87th को भी ध्यान रखेंगे, कौन सा सेशन था, 87th था, इस चीज को ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे। तो सभी लोगों के, मालती, दिग्विजय, नेहा कुमारी, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो गाइज देखिएगा सभी लोगों ने लाइक नहीं किया, तो एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे फटाफट से, बिल्कुल। रामराज का आंसर आया 2 का सी, बहुत अच्छे रामराज। यहां पर गाइस अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि 11 अक्टूबर को क्या होता है, तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है आपका कब, 11 अक्टूबर को। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है आपका, 11 अक्टूबर को होता है। लेकिन अगर नेशनल गर्ल चाइल्ड की बात आएगी तो वो कब होता है, मुझे जल्दी से आप लोग बताएंगे फटाफट से। आगे बात करते हैं इसके अलावा, तो एक चीज देखो इंपॉर्टेंट है यहां पर क्या, कि 7 अक्टूबर को आपका पहली बार क्या मनाया गया, वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया। गाइज वर्ल्ड कॉटन डे आपका कब मनाया गया, 7 अक्टूबर को मनाया गया, इस चीज को भी हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और आपका जो वर्ल्ड कॉटन डे था उसको ऑर्गेनाइज किसने किया था गाइज, उसको ऑर्गेनाइज किया था आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, यह बात भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। थैंक यू नेहा कुमारी जी, अगर चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से कर दीजिएगा एक बार थम्स अप, बिल्कुल। और जो लोग नए हैं वो आज बताएंगे कौन कौन लोग नए हैं, बिल्कुल, जिनकी फर्स्ट क्लास है वो एक बार लिखिएगा कि मेरी फर्स्ट क्लास है, तो ताकि मुझे पता लग जाए न्यू कौन है हमारे में, हमारे बीच न्यू कौन है, ताकि उनको पुरानों से इंट्रोड्यूस कराया जा सके। तो एक बार जल्दी से बताएंगे न्यू कौन है, बिल्कुल। राधे डीजल बताइएगा क्या पूछ रहे हैं आप, एक चीज जल्दी से आगे चलते हैं। देखिएगा जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी करंट अफेयर क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइज, ये ध्यान रखेंगे। यूपीएसआई हो आपका, टीचिंग एग्जाम हो, नॉन टीचिंग एग्जाम हो, सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। कंप्यूटर जी एक बार मुझे स्क्रीन से हटा दिया जाए, तो गाइज देखिएगा ध्यान से, यहां पर समझते हैं क्या। कैबिनेट रिसेंटली रिलैक्स द रिक्वायरमेंट ऑफ आधार कार्ड सीडेड डेटा टू अवेलेबल ऑफ द बेनिफिट ऑफ विच स्कीम, हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड सीड डेटा की आवश्यकता को कम कर दिया है। गाइज देखो दो तीन चीजें मैं यहां पर आपको बता दूं नॉर्मल सी, तो यहां पर जो गवर्नमेंट ने अभी एक, अगर मैं आपको नॉर्मल सा बताता हूं, इसका ऑप्शन जो बनता है वो सी बनता है, प्रधानमंत्री, अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बी ऑप्शन है इसका। यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिएगा जो 6000 की आपको क्या कहते हैं हर बार क्या मिलती है, मदद मिलती है। अब जो 6000 की मदद किसको मिलती है, जो किसान लोग हैं, जो 2000 रुपए में करके मिलती है, जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, देखो किसान, जो आपके किसान लोग थे तो उनके लिए क्या था, जो नॉर्म्स थी, जो रूल्स थे, जो रेगुलेशंस थे, उनको क्या कर दिया गया, थोड़ा सा कम कर दिया गया, जैसे कि आधार उनको लिंक कराना था, तो आधार की जो लिंकिंग डेट है गाइस उसको बढ़ा करके अब क्या कर दिया, 30 नवंबर कर दिया है, ध्यान रखेंगे उस चीज को। दूसरी चीज है, अब एक चीज देखो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, बात आ गई आधार की, तो आधार के जो सीईओ है गाइस वो कौन है, अजय भूषण पांडे हैं, जो कि हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी भी हैं, इस चीज को भी हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर गाइस आपका जो आंसर बनेगा बी, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, जिसके अंदर कितना दिया जाता है, 6000 रुपए दिया जाता है। गाइस अब देखो दो तीन चीजें और आपको क्या कहते हैं यहां पे पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से बनेगा, इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि जो आपको क्या कहते हैं कि इसके लिए टोटल बजट कितना अलोकेट हुआ है। तो गाइज इसके लिए जो टोटल बजट अलोकेट हुआ है डेट इज 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट अलोकेट हुआ है। बहुत अच्छी बात है मोनिका सिंह जी, दीपू जी, बिल्कुल पीएम किसान। तो यहां पर चीजें अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दें सेशन को। देखिएगा लाइक बहुत कम है और लाइव भी बहुत कम है, आप लोग इसको वीडियो को शेयर नहीं करते, फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे एफर्ट जो है वो मतलब खराब जा रहे हैं। तो देखिएगा इतना, मतलब एक चीज आपको बताऊं, देखो इतनी सुंदर सी मैं पीपीटी बना के लाता हूं, इसी पे लाइक
लाइक कर दो, फिर पढ़ाने के ऊपर शेयर कर देना अगर अच्छा समझ में आए तो। बिल्कुल, तो बिल्कुल अब एक बात समझिएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे दो तीन चीजें और है। कई बार एक क्वेश्चन बना है आपसे, जैसे भी कुछ एग्जाम्स हुए थे उसके अंदर पूछा गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है कब स्टार्ट हुई थी, तो गाइज ये स्टार्ट हुई थी 1 फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 से ये स्टार्ट हुई थी। फिर से ब्रीफ कर देता हूं, देखो सारी चीजों को, यहां पर जो आंसर बना गाइज वो बी ऑप्शन बना है, और इसमें क्या आधार की जो लिंकिंग डेट रख दी गई वो 30 नवंबर रख दी गई है, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कितना 75,000 करोड़ रुपए का पूरा फंड अलोकेट हुआ है, 6,000 रुपए पर ईयर मिलते हैं ध्यान रखेंगे, और 1 फरवरी 2019 से क्या हुआ था ये लागू हुआ था ध्यान रखेंगे। तो चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से एक बार कर दीजिएगा फटाफट से लाइक एंड शेयर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ हम चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या है, यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड इंक्लूजन ऑफ हाउ मेनी डिस्प्लेस्ड फैमिली इन कैबिनेट अप्रूव्ड रिहैबिलिटेशन पैकेज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में निम्नलिखित मंत्रिमंडल में कितने विस्थापित परिवारों के पुनर्निवास पैकेज को शामिल करने की मंजूरी दी है। गाइस देखिएगा दो तीन चीजें समझिएगा कि अगर मैं बात करूं तो आपका जो पीओके में रहने वाले थे, मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे जो रहने वाले लोग थे, मतलब कुछ बंटवारे के टाइम पर वहां चले गए थे लेकिन वो फिर वापस आ गए थे, तो उनको गाइज फिर से मंजूरी मिल गई है। तो कितनी डिस्प्लेस्ड फैमिली को मंजूरी मिली है गाइज, यहां पर 5300 तो 5300 फैमिली को क्या मिली है, मंजूरी मिली है, जो पहले पीओके में चले गए थे और वापस से फिर आ गए थे वो, तो ये क्या है, मतलब जो 5300 डिस्प्लेस्ड फैमिली थी, विस्थापित परिवार थे, उनको मंजूरी मिली है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके गाइज, कोई डाउट अगर हो तो यहां से मुझे बता देंगे जल्दी से एक बार। थैंक यू सो मच रामराज जी। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल आपका जो जिहाद अंसारी जी, बिल्कुल ये आपका जो सीजीएल के लिए उसके लिए भी क्लास है। देखो गाइज एक बात समझिएगा, जब करंट अफेयर आएगी तो हर एग्जाम में पूछी जाती है करंट अफेयर लगभग 50%, तो वहां पर क्या होंगी आपकी जो चीजें होंगी गाइज, उसमें क्या होगा आपका कि करंट अफेयर कोई भी कैसा भी हो वो आपका हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से समझिएगा। आगे चलते हैं, जल्दी से एक बार लाइक और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं गाइज, यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड एडिशनल इंस्टॉलमेंट और हाउ मच परसेंट डियरनेस अलाउंसेज, जिसको हम डीए बोलते हैं, कि जो डीए भत्ता जिसको हम बोलते हैं, अगर मैं बात करूं नॉर्मली डीए भत्ते की मैं बात करूं यहां पर, तो गाइस जो डीए आपका डियरनेस अलाउंसेज होता है उसको गवर्नमेंट ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परसेंट का उसको हाइक दिया है, तो एक तरीके से मैं बोलूं ये दिवाली का तोहफा है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, लगभग 46 लाख एम्प्लॉय जो होंगे क्या होंगे, लगभग 46 लाख एम्प्लॉय को क्या मिलेगा यहां पर, उनका डियरनेस अलाउंसेज जो है वो बढ़ चुका है, महंगाई भत्ता जो है बढ़ चुका है कितने परसेंट गाइस, 5%। हालांकि ये क्वेश्चन केवल और केवल एक महीने इसकी वैलिडिटी है, मतलब एक महीने तक अगर किसी का कोई एग्जाम है तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, उसके बाद ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं रहेगा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, तो चीजें समझ में आ रही है तो बिल्कुल एक बार जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से कि चीजें क्लियर है, और देखो कम से कम ना 10 लोगों को शेयर करो, और 10 लोगों को शेयर करो और दिखवाओ पहले वीडियो उनको, और उनको पसंद आए ना तो तब उनको बोलो कि हाँ सब्सक्राइब कर दो अब, ठीक है, क्योंकि देखो आप ही की सपोर्ट है तभी तो आगे बढ़ पाए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में अगर मैं बात करूं तो किसने टॉप किया है, ध्यान से बताइएगा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में बताइएगा कौन सबसे ऊपर रहा है, तो एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे, यूनाइटेड स्टेट, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क या फिर सिंगापुर, तो गाइज यहां पर जो आंसर आ जाएगा डेट इज सिंगापुर, ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा सिंगापुर। भारत की कितनी रैंक रही है, तो गाइज इसमें भारत की रैंक रही है 68 इसमें क्या है भारत की रैंक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, अब देखिएगा आपके गुरुजी यहां पे पढ़ा सकते हैं लेकिन बाहर बच्चों को तो आप ही लोग बताओगे ना, तो यहां पर तो आपकी हेल्प ही चाहिए ना मेरे को। बिल्कुल, तो एक बार जल्दी से सभी लोग बता देंगे चीजें क्लियर है, 6 का डी है, इंडिया 68 है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन वही आ गया, इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजिशन एट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में भारत को किस स्थान पर रखा गया, तो गाइस 68 यहां पर सी आंसर आ जाएगा, और बहुत ही शानदार, इसको तो मैं कहता हूं मार्क कर लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये डेफिनेटली पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स के अंदर, इस चीज को क्या रखेंगे गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से लाइक और शेयर करिएगा जल्दी से फटाफट से एक बार फटाफट से जल्दी से। ओके बहुत अच्छे, देखो राधा सिंह का आंसर आ गया, यही तो होता है, मतलब आप क्या क्या आंसर करेंगे, राधा सिंह बोल रही है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सर होता है 24 जनवरी को, बहुत अच्छी बात है, और कल को क्या है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है आपका, तो उस चीज को हम ध्यान रखेंगे, वो 11 अक्टूबर को होता है, बहुत अच्छे। बिल्कुल,
आगे क्राइम ब्रांच तिवारी जी अभी दिखे नहीं कहीं पर, लेकिन उनको राम राम और राधे राधे बिल्कुल हो रही है। राम राज जी 7 का सी बहुत अच्छे। आगे चलते फटाफट से नेक्स्ट में, वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? तो गाइज कब था ये? कल था, आते ही मैंने आपको बताया है। तो वर्ल्ड पोस्ट डे आपका कब? अक्टूबर 9 को, ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, तो आपको अगर ध्यान रखेंगे कि जब अक्टूबर के, जब पूरा अक्टूबर खत्म हो जाएगा, तो इसके सारे डेट को, सारे डेज को मैं क्या एक साथ कंक्लूड करके आपको बता दूंगा। अभी मैंने लास्ट टाइम आपको सितंबर बताया था, लेकिन इस बार जिस दिन मैं आपको बताऊंगा उस दिन सितंबर के डेट फिर से बताऊंगा थीम के साथ में, ध्यान रखिएगा, ताकि हम 2-3 बार चीजें पढ़ लें तो याद हो जाए हम लोगों को। तो चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच नेहा मावी जी। आगे चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है? निम्नलिखित में से किसको भौतिकी 2019 में नोबेल प्राइज मिला है? तो कंप्यूटर जी एक बार मुझे स्क्रीन से हटा दिया जाए। तो गाइस क्या वो ए ऑप्शन होगा आपका, क्या वो बी ऑप्शन होगा, क्या सी ऑप्शन होगा, या फिर डी ऑप्शन होगा? तो गाइज यहां पे एक बार जल्दी से नाम देख लेते हैं, और आगे मैं इसको डिटेल में भी पढ़ाया था मैंने कल आपको। तो यहां पर जो ऑप्शन था आपका, अगर मैं बात करूं जेम्स पीवेल्स को, मिशेल मेयर को, डीडिगर क्यूलेज को, आपका क्या मिला है इस बार का जो फिजिक्स में मिला है? अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो प्राइज की हाफ मनी है वो इनको मिलेगी, जो मतलब प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, मतलब 1/2 जेम्स को मिलेगा, 1/4 मिशेल को, डीडिगर को कितना मिलेगा 1/4 मिलेगा, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, ये वीक जो चल रहा है हमारा क्या होगा कि 14 अक्टूबर तक सारे के सारे आपके जो नोबेल प्राइजेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे गाइस 14 तारीख तक, चाहे वो लिटरेचर का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पीस का हो, वो जो रह गए हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे 14 अक्टूबर तक आपके सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, मैं आपको एक ट्रिकी वे में सारी चीजें बता दूंगा ताकि आपको याद रहे। तो एक बार 14 तक सबको डिस्ट्रीब्यूट होने दो, उसके बाद हम क्या करेंगे इन सबको एक साथ पढ़ लेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे फटाफट से नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिएगा केमिस्ट्री में पूछा है, तो गाइज इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, अभी केमिस्ट्री में पूछा है तो देखो अगली जो न्यूज आएगी वो इसी से रिलेटेड आएगी, तो उसमें हम एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं 10th वाले को। हालांकि आंसर आप लगा दोगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं आपका जो आंसर तो वैसे बी बनेगा, लेकिन यहां पर अगर मैं नॉर्मली आपसे बात करूं तो अभी हम केमिस्ट्री को पढ़ने वाले। तो गाइज यहां तक अगर चीजें समझ में आई है तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करिएगा। देखिएगा 60 बच्चे देख रहे हैं, इनको जल्दी से 100+ करना है हमने फटाफट से, कोई डाउट किसी को हो तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगर मैं बात करूं नॉर्मली तो देखिएगा ध्यान से, केमिस्ट्री के लिए डी वाला नहीं है, डी वाला फिजिक्स के लिए था, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए अभी हम मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको। तो गाइज आज की जो पहली न्यूज है उसको हम देख लेते हैं एक बार फटाफट से, किसकी बात हो रही है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की बात हो रही है, रसायन विज्ञान में नोबेल की बात हो रही है। देखिएगा मैं यहां पर बात कर रहा हूं रसायन विज्ञान में नोबेल कब से स्टार्ट हुआ, किसने पहले दिया, कौन देता था, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में डिस्कस यहां पर कर रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, तो गाइज इसको कौन देता है अगर आपसे पूछा जाए तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसको क्या देती है, हमें हमेशा अवार्ड देती है। कौन, अगर बात करूं केमिस्ट्री में कौन देता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ये किसको देती है, ये हमेशा केमिस्ट्री के लिए देती है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज और देखो ध्यान से, रसायन शास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा अवार्ड दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस अकेडमी का क्या रखेंगे हम नाम, ध्यान रखेंगे। दूसरा गाइज, पहला अवार्ड कब दिया गया था केमिस्ट्री में, तो 1901 में दिया गया था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि पहला अवार्ड कब दिया गया था, 1901 में दिया गया था। अच्छा पहला अवार्ड किसको मिला था, तो गाइस जो पहला अवार्ड था वो मिला था जैकब हेनरिक्स को, जैकब हेनरिक्स, हेनरी वैन ऑफ जूनियर, और ये कहां के, नीदरलैंड के थे, ध्यान रखेंगे। तो गाइस ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मार्क कर लेंगे कि पहला केमिस्ट्री में किसको दिया गया था, कब दिया गया था, और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, नीदरलैंड से बिलोंग करते थे, इस चीज को अब क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो चीजें अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से कि हां जी समझ में आ रही है। अच्छा जो फर्स्ट अवार्डेड था वो इनको मिला था, दूसरी चीज किसके लिए मिला था, क्या इन्होंने ऐसा किया था कि जिसके लिए इनको अवार्ड मिला था, तो गाइस फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन, समाधानों में रासायनिक गतिशीलता और एसामटिक दबाव के कानूनों की उनकी खोज के लिए। तो उन्होंने जो खोज की थी एक तरीके से किसकी की थी, लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशन, इस चीज को हम क्या रखेंगे,
थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट अब ये नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पे बहुत सारी रिसर्च आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी क्या है कि बाई चांस अगर पूछ लिया तो फिर क्या करेंगे, तो हमें चीजें याद होनी चाहिए। अच्छा गाइज, कहां पे मिलता है ये? स्टॉकहोम में मिलता है, स्वीडन में, स्टॉकहोम में, स्वीडन में मिलता है। और गाइज अगर मैं बात करूं तो प्राइस क्या होगा, प्राइस जो है आपका 9 मिलियन SEK है, 9 मिलियन SEK। बेसिकली जो करेंसी होती है गाइज वो क्रोना होती है, ध्यान रखिएगा, करेंसी जो होती है वो क्रोना होती है, SEK इसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। तो कितना, 9 मिलियन SEK, ये भी हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। यहां पर अगर चीजें ध्यान से समझ में आएगी तो बिल्कुल एक बार बता दीजिएगा। यहां पर प्रियंका पांचाल जी लिखा है लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो गाइज ये जो मैंने आपसे बात की ना, ये मैंने जब नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में स्टार्ट हुआ था तब की बात की है। अब की बात कर लेते करंट की, ये क्या था उसका स्टैटिक अवेयरनेस था, और अब हम बात कर लेते करंट की कि करंट में किसको मिला है। तो गाइज देखिएगा जल्दी से एक बार ना, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। देखिए पीपीटी कितनी आसान मैंने बनाई है, मेहनत से बनाई है, फोटो वोटो सब ढूंढ के लगाए आप लोगों के लिए, तो इसके लिए लाइक कर दीजिएगा, और बात मेरी कही हुई समझ में आ जाए आपको तो शेयर भी कर देना बाद में। एक बार जल्दी से फटाफट लाइक करेंगे, लाइक पहुंचाएंगे जल्दी से ऊपर। तो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री 2019, रसायन विज्ञान 2019 में नोबेल पुरस्कार, ऐसे ही फिजिक्स का पढ़ाऊंगा, ऐसे ही आगे जितने भी आएंगे उनका पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा बात करूं जॉन पी गोडेनफ, अगर इंग्लिश में पढ़ रहे तो गुडेनफ पढ़ा जा रहा है, और हिंदी में पढ़ रहे तो गोडेनफ पढ़ा जा रहा है, तो एक तो इनको मिला है गाइज। और अगर आपसे कोई पूछने लगे ये कहां के हैं तो आप बोलोगे ये यूएसए के हैं सर, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते एम स्टैनली विथिंगम की, तो गाइज ये कहां के हैं, ये भी यूएसए के हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, देखो इनका ना जो रेजिडेंस वो यूएसए है, ठीक है, लेकिन वैसे थोड़ी वो पढ़ाई वढ़ाई वो यूके वाली है इनकी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रेजिडेंस की हम यहां पे बात कर रहे हैं नॉर्मली। और जो ये अकीरा है गाइज, ध्यान रखिएगा, मूवी नहीं है, ये बंदा है, देखो कह रहा मुझे भी मिल गया, देखो बड़े मतलब एटीट्यूड में, देखो मैंने भी ले लिया नोबेल पुरस्कार। तो ये गाइज कहां के, जापान के हैं, इस चीज को हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इन तीनों को मिला हुआ है। तो गाइज एक बार जल्दी से लाइक करेंगे वीडियो को, देखिएगा लाइक आप लोग नहीं कर रहे हो पता नहीं क्यों, ठीक है। तो यहां पर इन तीनों को मिला है, और ये तीनों कहां से, यूएसए, यूएसए, जापान। आगे अगर गाइज मैं बात करूं तो देखिएगा इनको किस पर्पज के लिए मिला है, क्या काम इन्होंने किया था, तो लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी। इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि किसके लिए नोबेल प्राइज जो इस बार मिला केमिस्ट्री में वो किस लिए मिला था, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज के लिए मिला था, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं नॉर्मली तो कोई डाउट अगर हो तो जल्दी से मुझे बता देंगे एक बार फटाफट से। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, और सीए के महासंग्राम के लिए तैयार रहिएगा, आज सीए के महासंग्राम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं किसकी, एंटोनियो कोस्टा की। एंटोनियो कोस्टा क्या बन गए, फिर से प्रधानमंत्री बन गए, कहां के, पुर्तगाल के, पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री। कह रहे देखो जीत गया मैं, ठीक है, मार ली मैंने बाजी, ठीक है, कर ली दुनिया मुट्ठी में। क्या कह रहे, कौन कह रहे, एंटोनियो कोस्टा कहते जीत गया मैं एट एनी। तो एंटोनियो कोस्टा कहां के, पुर्तगाल के बने हैं, कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो, इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी थी इनको, और क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से बनने वाला है, पीएम ऑफ पुर्तगाल एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा, ओके, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अगर मैं बात करूं नॉर्मल में, अगर आपको आगे पढ़े हम, तो आगे जो हमारी फोर्थ न्यूज है यह बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी आपकी, आज की जो न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बात किसकी हो रही है गाइज, ई दंत सेवा की, फिर से समझेंगे किसकी, ई दंत सेवा की। अब ये जो ई दंत सेवा है गाइज, ये क्या है, एक पहली वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन है जो ओरल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर है। तो क्वेश्चन एक सिंपल सा बन जाएगा, ओरल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर कौन सी जो ऐप है या कौन सी वेबसाइट है जिसको लॉन्च किया गया, ई दंत सेवा, किन दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया, तो गाइज जो हमारा एम्स है उसने मिलकर के किया, साथ के साथ किसके, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है हमारी उनके साथ में। तो गाइज एम्स की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और अगर मैं बात करूं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे, तो हर्षवर्धन साहब है, ध्यान रखिएगा, जो कि चांदनी चौक से क्या है, सांसद है, एमपी है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से मुख्य स्वास्थ्य जागरूकता का पहला वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन ई दंत सेवा लॉन्च किया। तो अगर लॉन्चिंग पूछी जाएगी तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। चीजें समझ में आ रही है तो गुड मॉर्निंग आशुतोष, गुड मॉर्निंग सीमा वर्मा जी, बिल्कुल।
तो सेकंड क्लास स्टैटिक जीके की सेकंड क्लास अभी प्रियांशी जी उसकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा मैं, और मंडे से मैं भी उसकी क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगा, डोंट वरी। स्टैटिक जीके की पूरी सीरीज में लेकर कह रहा हूं, देखो उसी पे काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन में, मतलब मैं उस पर डेटा उसका तैयार कर रहा हूं और फिर बड़े अच्छे से मैं उसको आपके लिए लेकर के आऊंगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंडे जाएगा वो। सो डोंट वरी, स्टैटिक अवेयरनेस की क्लास भी आप लोगों के लिए आएंगे। बस क्या है, देखो आप लोगों का क्या है, समर्थन मिलता रहना चाहिए, आप लोगों से मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए, फिर तो मैं ऐसी ऐसी चीजें कर दूं क्या कहे कि दुनिया जीत जाएंगे हम, टेंशन क्यों ले रहे। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो देखिएगा यहां पे पूछा जाएगा कि इस ओकेजन पर और क्या क्या हुआ था। तो गाइज इस ओकेजन पे क्या हुआ था, नेत्रहीनों के लिए मुख स्वास्थ्य शिक्षा पर एक ब्रेल पुस्तिका और वॉइस ओवर का विकल्प भी जारी किया है। ध्यान से समझेंगे, एक ब्रेल बुकलेट, ठीक है, जो नेत्रहीनों के लिए होती है, नेत्रहीनों के लिए थी, और वॉइस ओवर ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन फॉर विजुअली इंपेयर्ड वॉज ऑल्सो रिलीज ऑन द ओकेजन। तो क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि इस पर और क्या क्या चीजें रिलीज हुई थी, तो ब्रेल बुकलेट एक रिलीज हुई थी और आपकी वॉइस ओवर ऑन हेल्थ एजुकेशन फॉर विजुअल इंपेयर्ड वॉज ऑल्सो रिलीज ऑन द ओकेजन। तो गाइज समझ में आई चीजें, अगर चीजें समझ में आई तो बता दीजिएगा एक बार और जल्दी से कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। कीर्ति ठाकुर जी बताइएगा कौन सा दोबारा बताना है मुझे, मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा दोबारा बताना है जल्दी से बता दें। सुप्रभात आलोक प्रताप जी, राधे जी, राधा जी बिल्कुल बहुत अच्छे, आप सही बता रहे हो। संदीप जी बिल्कुल आपकी पहली क्लास है, वेलकम संदीप सोनी जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट की बात, तो देखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर की मैं बात करूं यहां पर, डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं। देखो फिर से समझिएगा, इन्होंने क्या किया है कि लॉन्च डिजास्टर वार्निंग डिवाइस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपदा चेतावनी उपकरण, क्या नाम है उसका, जेमिनी, लॉन्च किया है। अब गाइज ये क्या होगा कि ये आपका उपकरण ऐसा उपकरण है जो लगभग 10-12 किलोमीटर से ही, मतलब अगर मैं बात करूं जो कोस्ट है, जो तट है, उनके 10-12 किलोमीटर पहले ही आपको क्या बता देगा, एक सावधान कर देगा, चेतावनी दे देगा अगर कोई भी डिजास्टर होने वाली होगी, कोई भी आपदा होने वाली होगी। तो देखो दो तीन चीजें गाइस यहां से बनेंगी, आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि जेमिनी को किसने लॉन्च किया, तो जेमिनी को लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। जेमिनी क्या है गाइस, जेमिनी है आपका एक डिजास्टर वार्निंग डिवाइस है, मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं आपदा चेतावनी उपकरण है, मतलब आपदा आएगी तो पहली चेतावनी दे देगा। जैसे कई बार होता है कई जगह पर सायरन नहीं लगे होते, ठीक है, कि मतलब कोई आपत्ति आ रही है तो पहले सायरन बज जाते हैं, जैसे बिल्डिंगों में आप जाते हैं और भूकंप आने से पहले वो थोड़े सायरन बजने शुरू हो जाते हैं कि हाँ भूकंप आ गया, तो उसी तरह की एक डिवाइस है, लेकिन ये क्या है, ये पानी वाली है ज्यादा, ठीक है। अब देखिएगा इसकी ना फुल फॉर्म कई बार पूछी जाएगी, गगन अनेबल्ड मैरिनर इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन, नेविगेशन और सूचना उपकरण के लिए गगन सक्षम मैरिनर का उपकरण है। तो इसकी ना फुल फॉर्म आप इंग्लिश में याद रखेंगे, गगन अनेबल्ड, जी फॉर गगन, ई फॉर अनेबल्ड, ठीक है, एम फॉर मैरिनर, आई फॉर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो नेविगेशन और इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, गगन अनेबल्ड मैरिनर इंस्ट्रूमेंट है, इस चीज को हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हां जी बिल्कुल, मोबाइल में जीपीएस होना तो बहुत जरूरी बनता है, लेकिन ये सिस्टम जो है अब आपका मोबाइल के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर कोई डाउट अगर अभी मोबाइल के लिए नहीं है, तो चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से, रामराज जी बिल्कुल थैंक यू। तो यहां पर जेमिनी की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, इसी में जेमिनी में, तो जेमिनी देखिएगा क्या करेगा, पहले भी एक बार चीजों को पढ़ के बता देता हूं क्या कि जेमिनी आपदा की चेतावनी संभावित मत्स्य पालन क्षेत्र, मत्स्य पालन समझते हो ना, मछली वाला, ठीक है, और महासागरीय राज्यों के मछुआरों को पूर्वानुमान पर प्रभावी और प्रभावी आपातकालीन जानकारी और संचार का प्रसार करेगा। मतलब क्या करेगा ये, जेमिनी विल डिसिमिनेट सीमलेस एंड इफेक्टिव इमरजेंसी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डिजास्टर वार्निंग पोटेंशियल फिशिंग जोन्स एंड द ओशियन स्टेट फोरकास्ट टू फिशरमैन। मतलब क्या करेगा कि जितने भी मत्स्य पालन फिशरमैन हो गए, या बात करूं मैं आपको क्या कहते हैं, जो भी मतलब वहां के लोग हो गए या नाविक हो गए, तो उनको क्या कर देगा, पहले ही चेतावनी दे देगा। ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, बाकी क्वेश्चन कहां से, यहीं से पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। सो गाइज क्लियर है, अगर ये इंफॉर्मेशन क्लियर है तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये आपकी। आगे चलता हूं फटाफट से नेक्स्ट की तरफ, ठीक है, बिल्कुल। कल की लाइव क्लास का, देखो किसी भी लाइव क्लास का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आप
आपको इसके कमेंट बॉक्स में मिलता है। ओल्ड फॉर्मेट 10 बजे तक आ जाता है और न्यू फॉर्मेट आपका 12 1 बजे तक आ जाता है। तो 12 1 बजे आप लोग एक बार चेक कर लिया करें। जो भी आपका वीडियो होती है, वीडियो के कमेंट में आपको पीडीएफ मिल जाती है, मैं उसको 12 1 बजे तक प्रिपेयर करवा देता हूं, तो वो आपकी पूरी प्रिपेयर होकर आपको मिल जाती है गाइज। ओके, देखो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, पहली बार एक बार वीडियो देखिएगा ध्यान से। ओके, उसके बाद क्या, रिविजन के लिए पीडीएफ को ले लीजिएगा, उसके बाद अगर कोई भी डाउट हो तो फिर वही वीडियो देख लीजिएगा। आप उसको क्या करना, जो पीडीएफ आप लेते हो उसके ऊपर लिख लिया करना, ये इस तारीख की पीडीएफ थी, कोई डाउट होगा तो आप क्या होंगे, उस क्लास को फटाफट देख सकते हैं। बिल्कुल, आगे अगर बात करेंगे नेक्स्ट में, तो देखो चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। एक बार एट होम रिसेप्शन, देखिएगा एट होम रिसेप्शन किसने दिया, बहुत अच्छी जानकारी है, किसने, इंडियन एयरफोर्स ने, कहां पर, नई दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी ने भी अटेंड किया था। तो गाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा एट होम रिसेप्शन किसने दिया, इंडियन एयरफोर्स ने दिया, नई दिल्ली में दिया। अब मिस्टर मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया था, एक एग्जीबिशन भी लगी थी, उसको भी विजिट किया था। एग्जीबिशन का नाम क्या था, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स इनोवेशन डिस्प्ले, इंडियन एयरफोर्स इनोवेशन डिस्प्ले एग्जीबिशन का नाम था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, विजिट किया था। अब इसकी थीम क्या थी, सेल्फ रिलायंस थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन थीम, मतलब इसकी जो थीम थी वो क्या थी, सेल्फ रिलायंस थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, नवाचार की और स्वदेशीकरण की, जो इंडिजीनियस वर्ड होता है ना गाइज, तो वहां से वर्ड बना है, इंडिजीनियस वर्ड से आपका बना है। तो यहां पर नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से स्व रिलायंस, इस चीज को क्या रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज में बात करूं तो प्रधानमंत्री ने क्या किया था, इस जब एग्जीबिशन को अटेंड किया था, तो यहां पर जो एयर मार्शल हमारे रह चुके हैं अर्जन सिंह, उनके नाम पर एक क्या किया, स्टैंप को भी लॉन्च किया। तो ये क्वेश्चन यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एट होम रिसेप्शन पर गए थे, वहां पर उन्होंने आईएफ इनोवेशन डिस्प्ले को क्या किया था, उसको विजिट किया था वहां पे, तो उन्होंने कौन से हमारे एयर मार्शल के नाम पर क्या किया था, कोमेमोरेटिव, मैं स्टैंप की बात करूं तो कोमेमोरेटिव स्मारक स्टैंप को लॉन्च किया था। तो गाइज अर्जन सिंह, इस चीज को थोड़ा सा क्या रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, डेफिनेटली यहां से आपको पूछा जाने वाला है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में क्या है, प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम की बात हो रही है, प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम की बात हो रही है गाइज, और क्या नाम है इसका, ध्रुव नाम है, ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम का नाम क्या है, ध्रुव है, पहली बात, क्योंकि नाम पूछा जा सकता है। ये कब स्टार्ट होगा गाइज, ये 10 अक्टूबर यानी आज से स्टार्ट हो जाएगा, और कहां पर, बेंगलुरु इसरो में, जो आपका इसरो है वहां पे आपका ये आज से स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कब तक चलेगा, 24 अक्टूबर तक चलेगा, और कहां पर कंक्लूड होगा गाइज, ये आईआईटी दिल्ली में कंक्लूड होगा, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बन जाएगा क्या, कि प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम का नाम क्या है गाइज, ध्रुव है, कहां से स्टार्ट होगा, इसरो बेंगलुरु से 10 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा आईआईटी दिल्ली में आके। गाइज अगर मैं बात करूं आपसे इसरो की, तो इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में है। इसरो के चेयरमैन कौन है, के सिवान है। इसरो कब बना था आपका, 15 अगस्त 1969 को बना था, ध्यान रखेंगे। और इसरो के जो चेयरमैन है के सिवान, इनकी मैं बात करूं तो इनको क्या मिला था, थोड़े दिन पहले एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड मिला था, जिसको तमिलनाडु सरकार ने दिया था, ध्यान रखेंगे। और एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे भी आ रहा है 15 अक्टूबर, जो कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे के नाम से जाना जाता है। तो गाइज इसको ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सीईओ चेयरमैन है, बिल्कुल पंकज जी चेयरमैन है, इसरो के चेयरमैन, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई दिक्कत हो तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, थैंक यू पूनम यादव जी। और गाइज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, शाम को 7 बजे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को मेरी रीजनिंग की क्लास होती है, तो ध्यान रखेंगे उस चीज का भी। आगे चलते हैं, बात करते हैं किसके, ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा कौन है, ये हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान साहब, पेट्रोलियम मिनिस्टर और नेचुरल गैस मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने क्या किया है, एक सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया है। अब सेरेमनी कहां पर हुई, देखिएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगोलिया में प्रस्तावित तेल रिफाइनरी परियोजना का समर्थन करने के लिए निर्मित बुनियादी सुविधाओं को चालू करने के लिए समारोह में भाग लिया। अब गाइस यहां से ना इंपोर्टेंट केवल तीन ही चीज बनती है, यह इंफॉर्मेशन उतनी इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट क्या बनेगा यहां से, जो इंपोर्टेंट बनेगा वो होमवर्क है आप लोगों का, और मुझे कमेंट में चाहिए, देखिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस है धर्मेंद्र प्रधान, वो कहां से एमपी है, सांसद कहां
कहां से हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। दूसरी चीज अगर मैं बता दूं आप लोगों को, तो ये जो यहां पर गए मंगोलिया में, तो मंगोलिया की कैपिटल करेंसी मुझे बता देंगे और मंगोलिया के साथ भारत की आर्मी एक्सरसाइज का नाम बताएंगे। चार क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिए, ये आपके सांसद कहां से हैं, आर्मी और आर्मी एक्सरसाइज कौन सी है मंगोलिया के साथ में, मंगोलिया की कैपिटल करेंसी क्या है, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के खत्म हो जाने के बाद में। बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन दिए वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी गाइज। बात करते हैं फॉरेन अफेयर मिनिस्टर की, किसके, थाईलैंड के। फिर से समझिएगा, एक होमवर्क फिर आ रहा है आप लोगों के लिए। फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो थाईलैंड के हैं, तो थाईलैंड के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर को क्या का क्या नाम है गाइज, डॉन प्रमोदु विनय। तो ये डॉन है, ठीक है, ऐसा लग रहा है सुनने में, लेकिन देखने में नहीं लग रहा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, नॉर्मली ये नई दिल्ली आए हैं, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर साहब है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ध्यान रखेंगे उस चीज को। दूसरी चीज अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, तो नॉर्मली देखो एक चीज समझेंगे हम यहां पर, कि जो थाईलैंड है, अब थाईलैंड से भारत की एक्सरसाइज कौन सी है, मैंने कई बार आपको पढ़ा रखा है, यहां पर भी होमवर्क, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं लाया था कि इसमें से कुछ डेटा आपको होमवर्क दिया जाएगा। इंडिया और थाईलैंड की मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है, अभी कंक्लूड हुई है, कई बार बता रखी है आप लोगों को, ठीक है, आज के सीए के महासंग्राम में भी क्वेश्चन है इसका। दूसरा, थाईलैंड की करेंसी और कैपिटल क्या है, ये बात आप मुझे बता दोगे अभी, थाईलैंड का अभी बताइएगा, क्योंकि 70 बार मैं बता चुका हूं पहले से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहां पर कोई डाउट किसी को हो तो जल्दी से बताइएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश शर्मा जी आप लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं मिताली राज की। तो मिताली राज पहली, एक तरीके से मैं बात करता हूं, इंडियन वुमेन क्रिकेट कैप्टन मिताली राज ऐसी पहली फीमेल प्लेयर बन गई है जो 20 सालों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रही है। गाइस ध्यान से समझेंगे कि जो मिताली राज हैं वो ऐसी क्रिकेटर बन गई है जो 20 से अधिक वर्षों से क्रिकेट खेल रही है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, सीके खन्ना साहब, ध्यान रखेंगे। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां है गाइस, मुंबई में है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और बीसीसीआई के सीईओ कौन है, राहुल जोहरी है। ये दोनों नाम याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। और भारतीय टीम के नए कोच कौन बने हैं, रवि शास्त्री बने हैं। बॉलिंग कोच कौन बने हैं, अरुण बने हैं। और बैटिंग कोच कौन बने हैं, विक्रम राठौड़ बने हैं, रोडी राठौड़ नहीं, विक्रम राठौड़, ठीक है, बात करेंगे यहां पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट की, तो देखिएगा ये कौन है, ये चाइना के प्रेसिडेंट है, और चाइना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, शी जिनपिंग। ये एसएचई वाला शी नहीं है, कभी सोचो कि फीमेल है क्या, नहीं, शी जिनपिंग। और अगर मैं बात करूं नॉर्मली आप लोगों से, तो यहां पर ये क्या है, दूसरी इनफॉर्मल, जो अगर मैं बात करूं समिट के लिए आए हैं, इंडिया चाइना की जो दूसरी इनफॉर्मल समिट होनी है, कहां पर होनी है, तमिलनाडु। यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट बनती है, क्या, कि जो दूसरी इनफॉर्मल समिट है वो कहां पर होगी, तमिलनाडु में, कब होगी, शुक्रवार को 11 अक्टूबर को, मतलब कल होगी, ध्यान रखिएगा, डेट आपको याद नहीं करनी, जस्ट बता रहा हूं। दूसरी चीज, भारत की चाइना से जो एक्सरसाइज है, तो दोनों ने क्या मिला रखे, हाथ मिला रखे हैं, तो चाइना से जो भारत की एक्सरसाइज है वो भी हैंड इन हैंड है, ध्यान रखिएगा, हैंड इन हैंड भारत की एक्सरसाइज है चाइना के साथ में, ठीक है, इस चीज को समझेंगे हम, ध्यान रखिएगा। देखिए छोड़ ही नहीं रहे नरेंद्र मोदी जी का हाथ, बिल्कुल। तो आगे आपको यहां पर कोई डाउट हो तो मुझे जल्दी से बता देंगे फटाफट से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, ठीक है, तो यहां पर बता देंगे। बहुत अच्छा, राधा सिंह का आंसर आ गया मंगोलिया की एक्सरसाइज को लेकर के, मैं आंसर को रिवील नहीं करूंगा क्योंकि सब लोगों को बताना है, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू विनीत जोशी जी, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो चीजें गाइस समझ में आ रही है तो एक बार अप्रिशिएट कीजिएगा, अगर चीजें समझ में आ रही है तो लाइक करिएगा फटाफट से। बात कर लेते हैं किसके, किंग और क्वीन की। देखिएगा सीए का महासंग्राम स्टार्ट होने वाला है, किंग और क्वीन की अगर मैं बात करूं गाइस, तो नीदरलैंड के किंग और क्वीन कब आ रहे हैं, 14 अक्टूबर को भारत में आ रहे हैं। किंग और क्वीन ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड की कैपिटल एमस्टर्डम के अगर मैं बात करूं तो आपकी नीदरलैंड की कैपिटल है, ठीक है। तो यहां पर 14 अक्टूबर को किंग और क्वीन आ रहे हैं। अब देखिएगा किंग का नाम क्या है, किंग का नाम है विलियम एलेक्जेंडर, और किंग की जो क्वीन है उनका नाम क्या है, मैक्सिमा, ठीक है। तो क्वीन मैक्सिमा और किंग क्या है, विलियम एलेक्जेंडर है, बस नाम याद रखेंगे, दूसरा कुछ नहीं। प्रधान जो हमारे राष्ट्रपति है, महामहिम है हमारे रामनाथ कोविंद साहब, उन्होंने क्या दिया था, इन्विटेशन दिया था, कब आ रहे हैं, 14 अक्टूबर को आ रहे हैं, कहां के, नीदरलैंड के, नाम क्या है, विलियम एलेक्जेंडर और मैक्सिमा, ये चीज हम दोनों ध्यान रखेंगे, कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ गाइस, अगला देखिएगा क्या है, स्टूडेंट कार्निवल चल रहा है, जैसा कि आपको पता है
और इसके अंदर क्या है आपका 40% का डिस्काउंट चल रहा है सभी चीजों को लेकर के। 10 करोड़ जो हमारे स्टूडेंट हमारा परिवार हो गया उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और लगभग 30 लाख के इनाम इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। लगभग लगभग 11 लाख के इनाम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो भी चुके हैं गाइज। तो आप क्या करेंगे, स्टोर अड्डा पर जाएंगे, कुछ भी परचेज करेंगे तो 40% का डिस्काउंट तो वैसे ही मिल जाएगा और उसमें आपको कुछ भी मतलब मिल सकता है, कोई कूपन मिल जाएगा और फिर वीकली जो ड्रॉ होगा उसमें रेडमी 7S मिल सकता है और जो आपका मंथली ड्रॉ होगा उसके अंदर आपका क्या होगा, मंथली ड्रॉ में आपको मिल सकता है आईफोन 11, ठीक है, ध्यान रखेंगे उस चीज को गाइस। ये मैं डिटेल में भी आपको कई बार बता चुका हूं। आगे चलते हैं फटाफट से, बिल्कुल हैंड इन हैंड, ठीक है। तो गाइस क्या आप करंट अफेयर के महासंग्राम के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग करंट अफेयर के महासंग्राम के लिए तैयार हैं तो जल्दी से एक बार बता दीजिएगा एक बार फटाफट से, क्योंकि अब आ रहा है करंट अफेयर का महासंग्राम। तो एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कंपटीशन को बढ़ा लेंगे फटाफट से। और रेडी है तो सभी लोग करंट अफेयर के महासंग्राम के लिए पहला क्वेश्चन कंप्यूटर जी बिल्कुल रेडी 20 सेकंड के टाइमर के साथ में। तो पहला क्वेश्चन महासंग्राम का आपकी स्क्रीन पर और 20 सेकंड का टाइमर आ रहा है इधर से, ठीक है। बात करते हैं पेरियार नेशनल पार्क की, जो कि पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा। गाइस बताएंगे पेरियार नेशनल पार्क जो कि पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है कौन से, कहां पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। तो यहां पर जल्दी से आंसर नहीं आ रहे सभी लोगों के, फटाफट आंसर करिएगा बिल्कुल एकदम फटाफट जल्दी से, बिल्कुल एक बार फटाफट से, ठीक है। तो आगे जल्दी बताएं फटाफट, अभी किसी का आंसर नहीं आया, टाइमर खत्म। आंसर आ जाएगा सी, केरला, केरला, केरला। तो पेरियार नेशनल पार्क कहां पर है गाइस? केरला में है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ओके। बाकी जो तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, उड़ीसा है, इन सबके नेशनल पार्क में डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, बिल्कुल पूरी डिटेल में आपको यहां पर पढ़ाए जाएंगे। कोई डाउट अगर यहां पर हो तो जल्दी से मुझे बता देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। वॉर्सो इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? वॉर्सो किस देश की राजधानी है? बता दीजिएगा फटाफट से, टाइमर आ चुका है आपके सामने बिल्कुल। तो यहां पर पोलैंड, घाना, कोंगो, नीदरलैंड। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि वॉर्सो जो है वो किसकी कैपिटल है, किसकी कैपिटल है गाइस, जल्दी से बताएंगे। कई बार मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। आंसर करने वालों इस तरह से आंसर करिए कि 2 का ए है, 2 का बी है, 2 का सी है और 2 का डी है। तो जल्दी से बता देंगे गाइस कहां क्या होगा आप लोगों का आंसर बिल्कुल। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो वॉर्सो जो कैपिटल है गाइस वो किसकी है? पोलैंड की है। घाना, कोंगो और नीदरलैंड की अभी बताई है। घाना, कोंगो, नीदरलैंड तीनों की कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाना चाहिए। थोड़ा सा हाथ चला लो, अभी ठंड नहीं आई है, कमेंट नहीं कर रहे, ऐसे बैठे होंगे ना पीछे को हाथ करके और देख रहे होंगे फोन में बस, ठीक है, और सोच रहे होंगे कि काश लिखा जाता खुद से, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अगला जो आ रहा है देखो ध्यान से समझिएगा, ए ऑप्शन था इसका पोलैंड, ठीक है, थोड़े दिन पहले ही मैंने सब कुछ पढ़ा रखा था। अगला क्वेश्चन, द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट इज इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है जो कहां पर स्थित है गाइस? नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, बड़ोदरा में है कि भोपाल में है? जल्दी से आंसर करेंगे तीसरे का। बहुत अच्छे राधा जी ने बताया नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, ये भी बताया था मैंने आपको। घाना की क्या है? अक्रा। क्या बात है, बिल्कुल शैलेंद्र जी जल्दी से बताएंगे एक बार। कोंगो की भी बता देंगे फटाफट से बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मोनिका जी। देखो मोनिका जी कह रहे हैं नोट्स बनाते, बहुत अच्छी बात। तो गाइस जो पहली रेलवे यूनिवर्सिटी है आपकी वो कहां पर है? बड़ोदरा में है, ध्यान रखेंगे। अब रेलवे से ये क्वेश्चन क्या याद आ गया मुझे कि जो भोपाल है, भोपाल में जो मेट्रो स्टार्ट होगी उसका नाम राजा भोज के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजा भोज के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। कोई डाउट अगर आपको हो तो मुझे जल्दी से बता देंगे फटाफट से, कोई भी डाउट अगर आप लोगों को हो तो जल्दी से एक बार बताएंगे फटाफट से, ठीक है। देखिए भूकंप आ गया क्या, एक बार जल्दी से बताएंगे फटाफट से, कोई अगर डाउट हो किसी को तो जल्दी से बता देंगे फटाफट से, जल्दी से एक बार बिल्कुल। हां जी गाइस बिल्कुल, देखिएगा ये इसलिए क्योंकि आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे थे, ठीक है, अब आप लोगों के आंसर आएंगे तभी चौथा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कब आएगा? जब आप लोगों के आंसर आएंगे, तो आंसर करिएगा जल्दी से, ठीक है बिल्कुल। कोंगो प्रैंक, क्या बात है। तो कोई डाउट अगर किसी को हो तो मुझे जल्दी से बता देंगे फटाफट से, ठीक है, एक बार जल्दी से बताएंगे बिल्कुल। राजा भोज मेट्रो, क्या बात है, और मध्य प्रदेश में कौन है? लाल कमल है, ठीक है बिल्कुल, राजा भोज, राजा भोज, राजा भोज, ठीक है। तो कोई डाउट अगर गाइस हो आप लोगों को तो बता देंगे जल्दी से, ठीक है एक बार।
वीके यादव जो है वो रेलवे बोर्ड के क्या है, चेयरमैन है। तो गाइज क्लियर है चीजें? ओके, हाँ जी मिलन यादव जी, क्या हो गया, आगे चलते फटाफट से। फर्स्ट क्लास है सत्येंद्र जी, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आगे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। द त्रिडोदा थर्मल पावर स्टेशन इज ए कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन विच स्टेट। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट त्रिडोदा थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? एक बार गाइस जल्दी से मुझे बता देंगे कि आंसर क्या होगा आप लोगों का, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो गाइस जैसा कि एक वर्ड आ गया त्रिडोदा त्रिडोदा त्रिडोदा, तो आपका कहां पर होगा, महाराष्ट्र में होगा। सो आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इलेक्शन होने हैं 21 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर को क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। महाराष्ट्र के साथ कहां पर होंगे, हरियाणा में भी होंगे। महाराष्ट्र के नवनियुक्त गवर्नर है भगत सिंह कोशियारी साहब, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में हमारा जो आ जाएगा क्वेश्चन, द 17 ईयर ओल्ड पायल जांगिड़, अगर मैं बात करूं 17 साल की एक लड़की पायल जांगिड़, जिसको पहली इंडियन मिली है, पहली इंडियन बनी है जिसको ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया है, किसने नवाजा है, विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। तो गाइज वो कहां की हैं पायल जांगिड़ जी, जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से। पायल जांगिड़ जिनको पहली, अगर मैं बात करूं आपको, ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड मिला है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला है नरेंद्र मोदी जी को, तो वो आपकी कहां की है गाइस, राजस्थान की है। और राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत हैं, और वहां के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा साहब हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ओके गाइज, कोई डाउट अगर किसी को हो तो मुझे बता सकते हैं यहां पर। और पंजाब के जो गवर्नर है गाइज वो पीवी सिंह बदनौर साहब हैं, जो कि चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, ध्यान रखेंगे। यूटी से याद आया गाइज, 31 अक्टूबर को जो हमारी यूटी की संख्या 9 हो जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी हमारी एक यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगी। और 31 अक्टूबर को क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे है, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे कहलाता है। और 31 अक्टूबर को और क्या होगा, 31 अक्टूबर को जो आपका ब्रेक्सिट, जो आपके बोरिस जॉनसन साहब है यूके के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा है कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाएगा, हालांकि इस पर अभी बातचीतें चल रही हैं। तो बहुत सारी न्यूज एक साथ आपको आ जाती है, कोई डाउट अगर यहां पर हो तो बता दीजिएगा, चीजें समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6, स्कोर भी शेयर करेंगे बाद में। द पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाई DRDO रिसेंटली इन विच स्टेट। हाल ही में जो आपके किस राज्य में DRDO द्वारा पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है गाइज, आंसर करेंगे जल्दी से उड़ीसा, केरला, और अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश, और बात करूं तमिलनाडु की, तो गाइज इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। आंध्र प्रदेश में किया गया है। दूसरा, MPATGM की फुल फॉर्म क्या है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1958 में आपका DRDO एस्टेब्लिश्ड हुआ था, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है, और जी सतीश रेड्डी के क्या है, DG है, डायरेक्टर जनरल है, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे चढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे महासंग्राम का है, बता दीजिएगा, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि मैत्री किसके बीच में हुई है, जो मेघालय का उमरोई है वहां पर हुई है, इंडिया और किस देश के बीच में। तो गाइस जल्दी से बता देंगे, इंडिया और किस देश के बीच में आपकी जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री हुई है, थोड़ी देर पहले ही आपको होमवर्क में दिया था, तो जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से क्या आंसर होगा आप लोगों का, एक बार जल्दी से बताएंगे 7th का। तो गाइस आंसर क्या होगा इसका, थाईलैंड होगा। थाईलैंड के साथ क्या है, मैत्री एक्सरसाइज है। इंडोनेशिया, मालदीव और सिंगापुर के साथ क्या है, जल्दी से मुझे बता देंगे फटाफट से, क्योंकि पहले कई बार बता रखी है मैंने ये चीजें आप लोगों को। और अगर मैं बात करूं, हमारे जो बिपिन रावत साहब हैं वो बने हैं किस चीज के, चीफ ऑफ, जो आपकी अगर मैं बात करूं स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन है, विपिन रावत साहब हैं। पहले BS धनोआ साहब थे, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद विपिन रावत बन गए। जो भी हमारी 3 फोर्सेज हैं, जैसे आर्मी की मैं बात करूं, नेवी की मैं बात करूं, और एयर फोर्स की मैं बात करूं, तो उसमें जो भी हमारे क्या कहते हैं सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, उनको COSC का चार्ज मिल जाता है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चार्ज मिल जाता है। तो अभी कौन है, विपिन रावत जी हैं। दिसंबर में क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे विपिन रावत साहब। और 15 जनवरी को हमारा आता है, ध्यान दीजिए,
लीजिएगा, आर्मी डे आता है, 4 दिसंबर को हमारा आने वाला है नेवी डे, और हमारा एयरफोर्स डे गाइज अभी गया है, 87th एयरफोर्स डे था हमारा, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे चलते हैं 8th का, वर्ल्ड कोकोनट डे जो कि 2 सितंबर को मनाया जाता है, कि थीम क्या थी, वर्ल्ड कोकोनट डे जो कि 2 सितंबर को मनाया जाता है, कि थीम क्या थी, कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस, कोकोनट फॉर फैमिली न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस, या फिर कोकोनट फॉर हेल्दी लाइफ, कोकोनट फॉर गुड हेल्थ वेल्थ एंड वेलनेस। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा यहां पर। तो देखिएगा, रिप्लाई करिएगा सभी लोग फटाफट से, बिल्कुल सीए का महासंग्राम है ये, यहां पर आंसर आ जाएगा ए, कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को गाइज। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, विच आइकोनिक प्लेस has been selected as India's best स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस। ये क्वेश्चन भी कई बार मैं आपको करा चुका हूं, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, इससे बढ़िया रिवीजन कहीं पे भी नहीं हो सकता, ये बात समझ लीजिएगा, और गारंटीड एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहां से, ठीक है। तो आपका अगर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस में मैं बात करूं तो किसको मिला है गाइज, यहां पर आपका टाइमर खत्म होता हुआ और आंसर आप लोग कर दीजिएगा जल्दी से, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा को मिला है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं गाइज, अगर आपसे पूछ लिया जाए गोल्डन टेम्पल कहां पर है, तो गोल्डन टेंपल गाइस अमृतसर में है, ध्यान रखिएगा, अमृतसर में आपका क्या है, गोल्डन टेंपल है। और अमृतसर में क्या हुआ है, एक नए, अगर मैं बात करूं जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नए आईएएम का शिलान्यास किया है, कहां पर, अमृतसर में, मनावला में, अमृतसर के मनावला में, यह बात हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे अमृतसर आया था तो जिक्र में, इसलिए वो याद आ गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है सीए के महासंग्राम का गाइज, आप लोग साथ दोगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे इसको, तो मैं सीए के महासंग्राम में 20 क्वेश्चन कर दूंगा, जैसा कि मेरा प्लान भी है, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्लोबल टाइगर फोरम, तो ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्यालय कहां पर है गाइज, नई दिल्ली, अहमदाबाद, नैनीताल, देहरादून। तो यहां पर गाइज इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे बिल्कुल। तो यहां पर 10th का जो आंसर आ जाएगा वो नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली। आगे चलते हैं गाइज, जो आज का मैं एक बार होमवर्क आप लोगों से डिस्कस देता हूं, जो होमवर्क है गाइस आज का, आज के विनर में नहीं बता पाया स्टार्टिंग में, वो स्किप हो गए, कल मैं बता दूंगा 9 तारीख के विनर भी और 10 तारीख के विनर भी। तो ध्यान रखिएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग ताकि मैं विनर का नाम अनाउंस कर सकूं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया, तो जो आपका जीएफटीएम है इसका हेडक्वार्टर गाइस कहां पर है, ये आपको आंसर कमेंट में करना है, इसका आंसर कमेंट में ही माना जाएगा। ओके गाइस, तो यहां पर अगर किसी को कोई डाउट हो, जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, ये शो हमारा डेली सुबह 7 बजे होता है, ध्यान रखिएगा, और जो लोग नए थे वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गाइस और लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो क्या है पहुंच जानी चाहिए, ताकि उनको पता लग जाए, चीजों को समझ में आ जाए। देखिएगा गाइस, आप क्या है, मैं तो यहां पर हूं, मैं आपके लिए यहां पर मेहनत कर रहा हूं, बस आपको शेयर करना है और लाइक करना है चीजों को, और बाकी हर जगह मतलब क्या बता रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना है चीजों के लिए। चीजें समझ में आई तो एक बार बता दीजिएगा फटाफट से, जल्दी से कमेंट करेंगे अगर चीजें समझ में आ रही है तो, ठीक है। कैसा रहा सेशन, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट से सभी लोग, बिल्कुल मोस्ट वेलकम आरती जी, यहां पर सेशन कैसा रहा एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, उसके बाद विदा लेंगे, कल वापस मिलेंगे 7 बजे, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच मोनिका गौतम जी, थैंक यू पंकज, थैंक यू मालती, तो बिल्कुल आप लोग सब बढ़िया हैं, किसी को कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड तो कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई आ जाएगा, बिल्कुल। थैंक यू कल्पना देवी जी, थैंक यू सो मच, दीपा जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम है सभी लोगों का, आप लोगों का। तो गाइज देखिएगा सेशन आपका एकदम मतलब, जो अगर आपको लग रहा है कि हाँ बाकी जेन्युइन एफर्ट है, तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि कल हमारे बच्चे कम से कम 100 हो। तो गाइस चलते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, लक्ष्य हम लेकर के ही रहेंगे। तो तब तक हम चलते हैं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।